जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर है और बेसिकली ये मेरा एक नया YouTube चैनल है। मैंने इससे पहले कोई व्लॉग्स नहीं बनाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई। द एकेडमी के नाम से मेरा ये YouTube चैनल है और ये बेसिकली टारगेट करता है सिर्फ उन्हीं लोगों को, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया जो स्टडी के लिए अब्रॉड आना चाहते हैं। अब्रॉड से बेसिकली मेरा मुराद ये है कि मैं जो खुद हूँ वो जर्मनी के अंदर हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ जर्मनी आने का और स्टूडेंट वीज़ा पे आने का गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और जितनी मेरी नॉलेज है, जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इस चैनल के थ्रू। जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया और जिस तरह मैं मुझे जो मुश्किलें आई हैं और जिस तरह कौन सी मैंने यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो किया, क्या लेटर ऑफ मोटिवेशन पर मैंने क्या लिखा और क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और हर सेशन में एक नया टॉपिक होगा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। बाकी सिर्फ आज के सेशन में मैं आपसे सिर्फ दो बातें करना चाहूँगा कि दो चीज़ें टू कम टू जर्मनी, जो इनिशियली आपने फोकस करना है वो ये है कि पहली तो ये है कि आपने सेल्फ फाइनेंस में आना चाहते हैं या तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस भी टाइम टेकन ही है, लेकिन बेनिफिट दोनों में ये है कि आपके फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको कोई भी चीज़ शो नहीं करवानी। आई मीन टू से आपको यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपकी फ़ीस जो होती है सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी वही कवर होगी उसमें। आपका एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो आपका अपार्टमेंट का एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस है, वो भी गवर्नमेंट फॉलो वो करती है आपका कवर। फिर उसके बाद आपकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं इंश्योरेंस के आप कह लें, वो भी गवर्नमेंट कवर करती है। अराउंड आपको 800 to 900 यूरोस मिलता है, सही है, अगर आप मास्टर्स लेवल पर आ रहे हैं या बैचलर्स लेवल पर। तो ये पाकिस्तान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उसमें एक अदारा HEC की स्कॉलरशिप्स निकलती हैं। आपको थोड़ी रिसर्च उसमें करनी पड़ेगी, और क्योंकि मैं सेल्फ फाइनेंस पे आया था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं वो आए हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको दो कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह आपकी एजुकेशन, आपकी जो CGPA है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और बाकी लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने बहुत अच्छा लिखा हो तो आपको इजीली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है फुली फंडेड। लेकिन अब उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो है वो आपका सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस का ये होता है कि उसमें आपने, जब मैं आया था तो अराउंड 8,000 to 8,500 यूरो मैंने दिए थे, अब 10,000 क्रॉस कर गए, सही है। तो उसमें आपको इधर आके आपने हर चीज़ को आपने खुद ही मैनेज करना है, जिसमें आपका इंश्योरेंस होता है, आपका आपने ब्लॉक्ड अमाउंट कैसे बनानी है, आपने वो ब्लॉक्ड अमाउंट का क्या फ़ायदा होता है और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली अभी दो चीज़ें आप फोकस करें जो, और आप सोचें ये दो चीज़ें कि इसमें से आपने किस चीज़ को अप्रोच करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हर किसी के पास इतने ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं होते। तो एक ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये भी होता है कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जाएँ, और जिनके थोड़ी फाइनेंसेस सही हैं वो सेल्फ फाइनेंस पे आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, और सेल्फ फाइनेंस में आने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो आप, मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है तो आप सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में डिटेल में चीज़ें और बताऊंगा, और न्यू टॉपिक्स होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे, और इंशाल्लाह बात होती रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।